अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो है वो मैं आपसे बनाना पैनकेक की रेसिपी शेयर करूंगा। ये मसल बिल्डिंग रेसिपी है, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो मैस गेन करना चाहते हैं और मसल बिल्ड करना चाहते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो गाइस, बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है और अपने घर में आप इसको इजीली होम इंग्रेडिएंट से इजीली बना सकते हैं। जो भी इनमें इंग्रेडिएंट शामिल होंगे वो कॉमनली घर के जो रोजमर्रा की जो इंग्रेडिएंट खाने वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, तो वही जो इंग्रेडिएंट है मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल करूंगा। तो गाइस, इसमें जो है 1000+ कैलोरीज आपको मिलेगी सिर्फ एक ही रेसिपी के अंदर। सिर्फ एक ही मील आप लें और आपको 1000+ कैलोरीज इजीली मिल जाएंगी। साथ जो है वो मैं टेबल भी शो कर देता हूँ आपको कि इसमें कैलोरीज कितनी, प्रोटीन होंगी कितने, कार्ब्स होंगे कितने, फैट होगा इसमें कितना, फाइबर होगा, वो तमाम जो है ये टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम जो कैलोरीज हैं वो इसमें काउंट करके मैंने लिखी हुई है। तो गाइस, बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे जो है मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आप लोगों को जो है वो नई नई वीडियोस की जो है वो आइडियाज भी मिलेंगे, और वर्कआउट के रिलेटेड, डाइट के रिलेटेड और फिटनेस एक्सरसाइजेस जो भी आप जिम में करते हैं, होम में करते हैं, तो तमाम आइडियाज आपको इसके जरिए मिलते रहेंगे। तो गाइस, अगर आप बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर देते हैं तो फिर आपको ज्यादा फायदा होगा, आपका और मेरा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जो भी नया आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा ना, तो वो आप लोगों को नोटिफिकेशन में शो हो जाएगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गाइस, बनाना पैनकेक बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट की हमें जरूरत है उनमें सबसे पहले जो है जो मेन इंग्रेडिएंट है वो 2 बनाना है, मीडियम साइज बनाना ले लें आप, ठीक है। और सेकेंड इंग्रेडिएंट है 1/2 कप जो है वो हम मैदा ले लेंगे फ्लोर, उसके बाद 2 eggs हो गए, होल एग होंगे, और 1/2 कप ही आपने शुगर लेनी है। उसके बाद 1/2 कप ही मैंने इधर रॉ मिल्क लिया है। उसके बाद 1 teaspoon जो है वो हमारे पास ऑयल आ जाएगा, और 1 teaspoon ही हमारे पास बेकिंग पाउडर है, और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो हमारे पास वनीला एसेंट है। जो पीनट बटर है वो हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए करेंगे, मींस के उसके ऊपर थोड़े ज़रा प्रेजेंटेशन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे पीनट बटर को, लेकिन ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स में नहीं आएगा, आप बगैर इसके भी बना सकते हैं। तो गाइस, इंग्रेडिएंट को फिर मिक्सअप करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो हम मेथड में सबसे पहली चीज़ है ब्लेंडर में हम जो इंग्रेडिएंट मिक्स करने के लिए वो डाल देंगे। सबसे पहले 2 banana और 2 whole egg डालेंगे। उसके बाद जो है लहसुन और ऑयल डाल देंगे। लास्ट वन जो चीज़ है वो जो शुगर है वो डाल देंगे उसमें, और इसको प्रॉपर तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। कितना बेहतर बना है, काफी अच्छा बेहतर हो गया। उतार देते हैं। सो गाइस, पेस्ट जो है हमने ब्लेंड कर लिया, और देखें थिकनेस जो है अभी नहीं आई, तो इसमें जो है वो पहले जो बाउल में है जो हमने 1/2 कप फ्लोर लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे, और जो हमारे पास बेकिंग पाउडर है वो डाल देंगे इसमें, चम्मच डाल देते हैं,
सकता है। ये इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और अब जो है ये जब इसको अच्छी तरह कर लेना, उसके बाद ये साफ कर दें। तो अब जो है जो पेस्ट हमने बनाया उसको इसके अंदर डाल देते हैं। इसको है वो आप चम्मच के साथ मिक्स कर लिया प्रॉपर तरीके से। जबरदस्त जो है वो खाना पेस्ट तैयार होने वाला है। तो गैस पेस्ट जो है वो बेहतरीन जो है वो उसको मैंने मिक्सअप कर लिए। इसमें जो है वो मैदा डाला था और बेकिंग पाउडर डाल के, और जो हमने ब्लेंडर के अंदर सारे जो इंग्रेडिएंट मिक्स करके उनको ब्लेंड किया था, वो सारा मिक्सचर जो है वो एक बाउल के अंदर डाल के उनको अच्छी तरह मिक्स कर लिए मैंने। अब जो है इसके कुकिंग प्रोसेस में आते हैं। हल्का सा बिल्कुल जो है वो आपने फ्राई पैन पर हल्का सा ऑयल लगाना है जस्ट फॉर नीड, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह जो है वो नीचे लगे ना और अच्छी तरह जो है वो पक के हमारा रिजल्ट अच्छे दे दे। तो इस पेस्ट को बना लेते हैं और उस बना के रख देते हैं। और अब जो है वो फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल डाल के ना रख देते हैं। तो गाइस फ्राई पैन के ऊपर पोस्ट पैन के ऊपर रख देंगे। लाइक दैट और बिल्कुल जो है वो हल्का सा जो है उसके ऊपर अंदर डाल देते हैं। लाइक दिस जो है इसको जो है वो पकने के लिए हल्की आंच में ताकि अंदर से ही पक जाए और बाहर से भी इसका ना सही लुक आ जाए। इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। ज़बरदस्त आ गए तो फोल्ड कर लेंगे लाइक दैट। देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो ब्राउनिश लुक आया। सो गाइस हमारे ज़बरदस्त से जो है डिलीशियस पैनकेक्स, बनाना पैनकेक्स तैयार हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और इंशाल्लाह अगर आप घर में ट्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे और आप भूल जाएंगे किसी भी जो है वो पैनकेक। और इसमें एनर्जी तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको अपनी कैलोरीज बताई हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं। 1000+ कैलोरीज इजीली जो है प्लस ही होंगी, कम नहीं होंगी 1000 से कैलोरीज पैनकेक्स बनाना पैनकेक्स में होती हैं। सो गैस आज की वीडियो यहीं पर करते हैं ख़त्म। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो गैस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि नई जो वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। सो गैस सी यू इन द नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।